हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि पीएम किसान में जो है वो स्टेटस चेक करने का जो प्रोसेस था उसे अपडेट कर दिया गया है। तो क्या हम ओटीपी के माध्यम से या बिना ओटीपी के माध्यम से स्टेटस को चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या रजिस्ट्रेशन नंबर से, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से हम स्टेटस को चेक कर सकते हैं या नहीं चेक कर सकते हैं? तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही बताएंगे दोस्तों कि आप जो है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से स्टेटस अपना देख सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पीएम किसान से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां होंगी हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। वहां पे आपको फाइनली पीएम किसान सर्च कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद फर्स्ट वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो खुल के आ जाएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे दिख जाएगा बेनिफिशियरी स्टेटस, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्लिक करने के बाद तो यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है पहले मोबाइल नंबर का ऑप्शन रहता था, उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन रहता था, जो कि अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर को कर दिया गया है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ ओटीपी विल बी सेंट योर ई केवाईसी रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, यानी कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए। उसके बाद आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद इस कैप्चा को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जिस समय ई केवाईसी किए थे दोस्तों, उस समय उस जिस नंबर को आप दिए थे ई केवाईसी करते समय, उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को आप यहाँ पे फिल करेंगे तभी जो है आप अपना स्टेटस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल कर लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गेट ओटीपी पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं दोस्तों, देख लीजिए ओटीपी जो है सक्सेसफुली सेंड हो चुका है और यहाँ पे ओटीपी भी आ चुका है। तो चलिए ओटीपी को यहाँ पे फिल करते हैं दोस्तों। ओटीपी फिल करने के बाद देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे गेट डाटा लिखा हुआ जो कुछ दिख रहा है, यहाँ पे गेट दिख रहा है, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देख लीजिए स्टेटस जो है मेरा खुल के आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, उस किसान भाई का जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, यहाँ पे नाम शो करेगा, यहाँ पे गांव एड्रेस का शो करेगा दोस्तों, एड्रेस का जो गांव डाले थे वो शो करेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर शो करेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपका जो है स्टेटस खुल के आ जाएगा। तो आप न्यू प्रोसेस हो चुका है दोस्तों कि आपको जो है स्टेटस देखने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए, प्लस में आप जो ई केवाईसी किए हुए थे उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल कीजिएगा तभी जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि स्टेटस आप देख सकते हैं पीएम किसान का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।